अब समझ में आ रहा है। वही 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 अभी समझा रहे हैं हम कि रेचक, कोई जो प्राण वायु बाहर जाएगा उसका नाम तो रेचक हुआ ना, जो बाहर जा रहा है, फेंका गया बाहर। परंतु उसका जैसे गर्मी का ठंडी गर्म दोनों चीज का नाम है, एक गर्मी कम हो जाने से ठंडी बढ़ता है, वैसे ही रेचक जब पूरा खत्म हो गया, जीरो में आ गया रेचक, तो उसी का नाम तो कुंभक हुआ, बाहर बाहर। और वो बाहर से शुरू क्या होगा, चंद्रमा का तो अस्त हो गया, तो सूरज का उदय होगा ना उधर, जहां ठंड का अंत हुआ वहां तो गर्मी बढ़ेगा या नहीं, बढ़ेगा। तो वहां से पूरक बढ़ शुरू हुआ बाहर, जहां रेचक खत्म हुआ वहां से पूरक शुरू हुआ, है एक ही चीज। एक का कमी जीरो डिग्री में आ गया मान लो, उसी को कुंभक मान लो, बाहर। अच्छा, वो पूरक जाएगा अंदर, भरेगा जो, उसके तो पूरक कहते हैं, हृदय में जाएगा, हृदय में जा करके फिर जीरो में जाएगा ना, पहले तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नाक तक बढ़ गया, फिर जब नीचे जाएगा तो फिर वो घट जाएगा, घट जाए करके वो रेचक का रूप लेगा, धीरे धीरे कुंभक पूरक पूरक अंत में जाकर पहुंचेगा, वहाँ भी एक स्थिरता प्राप्त हो जाएगा, और वहीं से फिर रेचक का शुरू। आया समझ? तो दो जगह पर जीरो हुआ ना, हाँ जी दो जगह पर जीरो हुआ। इसी को हम ज्योग्राफिक लैंग्वेज में बोलते हैं लाइन ऑफ मेरिडियम, जहाँ हम दिन रात का समय को सारा धरती के ऊपर समय को बैलेंस करने के लिए एक लाइन, काल्पनिक लाइन रखते हैं, उसको मेरिडियम कहते हैं। हाँ, उसको पीएम और एएम उसी से माना जाता है, आफ्टर मेरिडियन और बिफोर मेरिडियन, नहीं प्री मेरिडियन। तो पीएम और एम हुआ आफ्टर एंड प्रायर प्री। इसी प्रकार मान लो हमारा बाह्य कुंभक में रेचक का अंत और पूरक का शुरुआत, और अंतर कुंभक में पूरक का अंत और रेचक का शुरुआत, चीज एक ही है। अब यहीं तक आज रखो, कल फिर आकाश में उड़ेंगे। आज इकट्ठे उड़ जाएंगे तो फिर गड़बड़ी हो जाएगा। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सद्गुरु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय।